नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। अब आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अनुपम खेर की, अनुपम खेर और एसएस राजमौली। जी हाँ, एसएस राजमौली मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, वहीं अनुपम खेर मशहूर टीवी फिल्म एक्टर हैं। अनुपम खेर की हाल ही में आई द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर लगातार अनुपम खेर चर्चा में बने हुए थे। लगातार उनकी फिल्म को लेकर, उनकी एक्टिंग को लेकर तारीफ जो है वो चलती जा रही थी कि अनुपम खेर की जो एक्टिंग है उसने हर किसी की आंखों में आंसू लाकर रख दिए। उसके बाद आपको बता दिए कि अनुपम खेर की ये जो फिल्म थी, जो एक्टिंग थी, वो सच्ची घटना पर आधारित थी। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर ये फिल्म बनी थी, द कश्मीर फाइल्स, जो कि विवेक अग्निहोत्री ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। साथ ही मिथुन चक्रवर्ती से लेकर फिल्म में ऐसे कई अच्छे अभिनेता भी मौजूद थे। इसी के साथ हर किसी को द कश्मीर फाइल्स की तारीफ मिली। उसी के बाद आपको बता दूं, अभी हाल ही में अनुपम खेर को लेकर एक नया पोस्ट सामने आया है, जिसमें अनुपम खेर ने एक नोट लिखा है और एक बचपन की फोटो शेयर की है परिवार के साथ। एसएस राजमौली उसमें शामिल है और लिखा है कि क्या वो बचपन की यादें थी, क्या एसएस राजमौली साहब है। उनकी तारीफ में अनुपम खेर ने ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया और साथ ही बहुत बढ़िया कैप्शन भी लिखा है। इसी के साथ आपको बता दें, एसएस राजमौली लगातार चर्चा में रहते हैं अपनी फिल्म्स को लेकर। कई सुपरहिट फिल्म्स एसएस राजमौली ने बनाई हैं। अभी हाल ही में आई ट्रिपल आर भी एसएस राजमौली ने डायरेक्ट की हुई है। इसी के साथ इस बार अनुपम खेर और एसएस राजमौली का इस तरह का साथ देखकर एक अचंभा सा हुआ, क्योंकि अभी तक जनता ने, ऑडियंस ने इन चीजों को या इन दोनों को साथ भी नहीं देखा था। पर जिस तरह से दोनों को साथ में देखा गया, काफी फैंस उसको पसंद कर रहे हैं और लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि आप दोनों की जोड़ी साथ में काफी अच्छी लग रही है। वही जिस तरह से अनुपम खेर ने एसएस राजमौली को लेकर प्यार जताया है और दोनों के बीच का जो रिलेशन देखने को मिला है, उससे फैंस काफी ज्यादा खुश भी हो रहे हैं। वही एसएस राजमौली अपनी एक से एक नई फिल्म लेकर आते हैं, थोड़े समय में लेकर आते हैं, लेकिन जो फिल्म लेकर आते हैं वो अलग सुपरहिट ही साबित होती है। इसी के साथ अनुपम खेर की बात करें तो वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अभी हाल ही में अनुपम खेर अमिताभ बच्चन के साथ और बोमन ईरानी के साथ नई फिल्म आने वाली है, जिसकी शूटिंग में बिजी हैं। उनकी वर्क फ्रंट की हम बात कर रहे हैं, ऊंचाई फिल्म का नाम है और अमिताभ बच्चन के साथ दोनों उसमें शामिल होंगे। इसी के साथ अमिताभ बच्चन ने इस पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर इस तरह की जो फोटो है वो शेयर की थी, जिसमें अमिताभ बच्चन साइड में अनुपम खेर और उसी की साइड में बोमन ईरानी जो है वो नजर आ रही हैं और काफी मस्ती करते हुए उसमें नजर आ रही हैं। इनको देखकर लग रहा है कि कितनी मस्ती ये लोग इस फिल्म में कर रहे हैं और कितनी मस्ती भी हमें देखने को मिलने वाली है इस फिल्म में। तो तीनों की जो मस्ती है वो देखने को मिल रही है। इसी के साथ इस फिल्म यानी ऊंचाई का जो है वो इंतजार रहेगा, फिल्म की क्या कहानी है अभी तक इसको लेकर कोई भी खबरें जो है वो सामने नहीं आई है, पर हर किसी को इंतजार है इस फिल्म का, कब ये फिल्म सामने आएगी और हम इस फिल्म को देखेंगे। वही अनुपम खेर की हम बात कर रहे थे, वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, अपने पोस्ट शेयर करते रहते हैं। इसी के साथ किसी भी चीज के बारे में चर्चा हो वो जरूर ट्वीट करके उसके बारे में जिक्र करते हैं। वहीं कश्मीरी फाइल्स की बात करूं, जब उनकी फिल्म कश्मीरी फाइल्स आई थी, उस फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ था। यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक ने उस फिल्म को लेकर बोली बोली थी, और ऐसी बोली थी कि जिसको लेकर अनुपम खेर से भी चुप नहीं रहा गया। एक्टर अनुपम खेर ने उनके उस बयान पर जवाब दिया, ट्वीट किया और बोला कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते इतनी उम्मीद नहीं की जाती कि आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और कोई जिसमें बुद्धि होगी वही इस तरह की बातें बोल सकता है। इस तरह से अनुपम खेर ने जो है तंज कसा था अरविंद केजरीवाल पर, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का कोई ट्वीट नहीं आया, लेकिन वो लगातार इस पर बोलते रहे। वही अनुपम खेर की हम बात कर रहे हैं कि वो लगातार इस तरह से इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं, और हाल ही में जिस तरह से एसएस राजमौली के साथ उन्होंने फोटो शेयर किया, फैंस उनको काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और हार्ट इमोजी भी शेयर कर रहे हैं। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ।